Welcome to my channel. So today's topic is how to get soft, smooth and fair hand. Exactly आज हम बात करने वाले अपने हाथों को किस तरह से सुंदर बनाया जाए. So हाथों के लिए आज मेरे पास है हनी, ये पतंजलि का शहद है, और यहाँ है मेरे पास मलाई मलाई, और ये है मेरे पास लेमन. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम मलाई में थोड़ा सा शहद मिला लेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, आपकी मलाई कितनी क्वांटिटी में आपके पास है उसके हिसाब से आपको शहद मिलाना है. और ये जो पैक मैं आपको बता रही हूँ ये स्पेशली स्किन के लिए है. किस तरह से स्किन को लाइट किया जाए, फेयर किया जाए, सॉफ्ट किया जाए, तो आप इसे बॉडी पर, पूरी बॉडी पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके हाथों पर, पैरों पर, बैक पोर्शन पर, कहीं भी. अब थोड़ा सा मैं लेमन नींबू का जूस मिलाने वाली हूँ. अच्छे से इसे मिक्स करना है आपको. अच्छे से मिक्स करिए और इसके बाद मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ. मैंने अपने हाथों को ऑलरेडी वॉश करके रख दिया है, अच्छे से मैं वॉश करके रखा है, और अब मैं इस पैक को अप्लाई कर रही हूँ अपने हाथों पर. बहुत ही जेंटली, सॉफ्ट तरीके से, आराम आराम से मसाज करते हुए आपको इस पैक को आपके पूरे हाथों पर लगाना है. हाथों पर, पैरों पर, बैक पर, आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं. और लगाने के बाद, मसाज करके लगाने के बाद आपको इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिए. और फिर आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मलाई हमारा नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है, लेमन स्किन को फेयर करने का काम करता है, और जो शहद है वो भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए. तो मैं बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में लगाने वाली हूँ. आप थोड़ा और ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना चाहे तो आप वो भी लगा सकते हैं. इट्स अप टू यू, आपकी स्किन टाइप पर डिपेंड करता है. आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा ज़्यादा लगाइए, ऑयली है तो थोड़ा सा कम लगा लीजिए, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल लगाइए. इस तरह से लगा कर, मसाज कर कर आपको इसे छोड़ देना है, और 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको इसे वॉश कर लेना है. और अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.